अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक साल हो गया और पहाड़ की इस बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला। माता पिता फिलहाल कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। अब इस बीच कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अंकिता के एक दोस्त और अंकिता मर्डर केस के अहम गवाह पुष्पदीप ने एक अहम खुलासा कर दिया है। शनिवार को बचाव पक्ष ने पुष्पदीप से अंकिता और उसके बीच हुई चैटिंग के विषयों पर सवाल पूछे, जहां गवाह ने अंकिता के माता पिता के उसके प्रति व्यवहार पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में जुरह के दौरान पुष्पदीप ने ये बताया कि अंकिता के माता पिता उसे मारते पीटते थे, इसलिए वो बाहर रहकर नौकरी करना चाहती थी। वो कहती थी कि नौकरी नहीं मिली तो वो कोई गलत कदम उठा सकती है। पुष्पदीप ने दौरान चैटिंग के हवाले से बताया कि अंकिता अपने माता पिता के व्यवहार से खुश नहीं थी, इसलिए वो बाहर रहकर जॉब करना चाहती थी। हालांकि पुष्पदीप ने ये भी कहा कि हो सकता है कि अंकिता ने ये बातें इसलिए कही हो ताकि वो उसके लिए जल्दी जॉब तलाश ले। शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने बहस का ध्यान पुष्पदीप द्वारा विवेचना को बयान पर केंद्रित किया। मामले में अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होने वाली है। आपको बता दें कि एसआईटी की ओर से इस हत्याकांड में 97 गवाह बनाए गए हैं। पुष्पदीप के साथ ही अब तक 22 लोगों की गवाही हो चुकी है। यमकेश्वर के वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की पिछले साल हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। माता पिता को इंतजार है तो बेटी को न्याय मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।